कैसे यूट्यूब की दुनिया वालों, हम देहरादून का राइड का प्लान बना रहे हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 3:16। सारे के सारे राइडर्स आप लोग देखिए तैयार है। और ये हमारे नरेश सेठ जी हमारे, और ये हमारे ऑर्गेनाइजर हैं, काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करते हैं। अच्छा परवीन, पहला जो डेस्टिनेशन है एक ढाबे पे रुकेंगे, आराम से ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद देहरादून के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि ये देहरादून राइड है। गाइस देहरादून जाएंगे ना, कैसा बनने वाला है, सुपर हिट की नहीं, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं जर्नी। कमांडो पे सवार है हमारे कृषु, हाय कृषु, और हमारी लाडली चार्ली। सामान वामान देखिए काफ़ी पैक कर रखे हैं इस तरह से, और बांधने वाले जो है उनका श्रेय जाता है मिस्टर परवीन, आप देख रहे हैं जैसे कि। चलिए फिर चलते हैं, सारा कुछ तैयार है। सबसे पहले हमें ये करना है कि पेट्रोल डलवाना है, पेट्रोल पंप निकलेंगे और बस रास्ते में बातचीत करते हुए खाते पीते हुए फर्स्ट क्लास ब्लॉग बनने वाला है। गाइस बने रहिए, पूरा देखिएगा वीडियो को। सेठ जी को देखो जरा चश्मा पहन के, सेठ जी रात तो हो रही है, देखो तो रात को चश्मा क्यों पहनी हुई है। ये बड़े लोग हैं, रात को चश्मा पहनते हैं, वो भी काले रंग का। एक्चुअली हम यहाँ पे ISBT पहुँच चुके हैं, ISBT से हम करनाल रोड वाले पे कंटिन्यू करेंगे, एंड देन जैसा कि नेविगेशन बता रहा है आगे शायद कहीं से लेफ्ट लेना है। फाइनली पेट्रोल पंप आ गया, और पहले पेट्रोल डलवा लेते हैं हम लोग। तो पहले डलवाएंगे पेट्रोल किधर, सूरज की पहली किरण निकल चुकी है और हम हैं NH 34। अभी 210 किलोमीटर और हमें ट्रैवल करना है, ज़्यादा ट्रैवल हुआ नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं है, सफ़र कट जाएगा, दोस्तों का साथ है, आप लोग भी साथ में हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। गाइस वेस्टर्न UP टोल प्लाजा पे अभी हम लोग खड़े हैं, तो अभी हमने काफ़ी जर्नी तय कर ली है और अभी टाइम हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है, इट्स टाइम 7:45। आप लोगों के हिसाब से क्या लगता है? 11 बजे तक पहुँच जाएंगे, 11 बजे, रेस कह रहे हैं 11 बजे तक हो सकता है पहुँच जाएँ। ठीक है, बढ़िया राइडिंग चल रही है अभी तक फर्स्ट क्लास, थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, अब ढाबे पे रुकेंगे, बढ़िया थोड़ा कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे और दिखाएंगे आप लोगों को कुछ सिनेमैटिक्स, तो मिलते हैं फिर वहीं पे। ये देखिए क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे, कन्हैया शुद्ध भोजनालय। ब्रेकफास्ट करेंगे इधर, वो रोड ऐसे कटा है, ऐसे जाएगा। YouTube की दुनिया वालों, हाउ इज योर्स, नेक्स्ट अपडेट आपको देहरादून में देंगे और थोड़ा सा दिखाएंगे आपको व्यू। कैसा है जगह जगह पे, एक्चुअली काम चल रहे हैं यहाँ पे, उसकी वजह से ना डाइवर्जन काफ़ी है इन रोडों पे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। ये देखिए हमारे मॉडल ऋषि सोलंकी एंड नरेश, तो
बैग सही करना पड़ेगा क्योंकि बैग थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहा है। ये आगे रोक के करते हैं इनका। तो त्रिशु कैसा लग रहा है आपको अभी तक की राइडिंग पे? अभी तक की राइडिंग सबसे ऑसम रही है और आगे भी ये बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाली है। तो ब्रिंग इट ऑन, कीप इट अस एंड स्टे टुगेदर। राइट, नियर बाय रुड़की के कुछ आसपास है, यहाँ से अब देहरादून ही आएगा, उसके बाद देहरादून में बातचीत करेंगे कुछ। ये एपिसोड देहरादून तक है, उसके बाद शायद हम मसूरी जाएँ, लेकिन वो बात की बात है, पहले हम देहरादून जा रहे हैं, पहुँचेंगे। Awesome place, man. Just see the view. यहाँ से मसूरी 54 किलोमीटर है, देहरादून 21 किलोमीटर। तो हमें तो सबसे पहले देहरादून जाना है और देहरादून जाके थोड़ा सा स्टे करना है वन नाइट, उसके बाद की बात ही देखेंगे। ओ जो यहाँ पे रहने वाले हैं उनके लिए आम है, लेकिन जो सिटी लाइफ में रहते हैं, जैसे दिल्ली रहते हैं, मुंबई रहते हैं, चेन्नई रहते हैं, सिटी में रहते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा व्यू है, काफ़ी अच्छा जगह है। क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत बढ़िया जगह है। व्यू देख रहे हैं आप, बहुत ही बढ़िया व्यू, बहुत उनका। बाकी आइए ऐसी जगह में भी, कुछ सुकून के पल बिताइए। व्यू देखिए आप, पहले इन्जॉय कीजिए। ये नदी सूखी हुई सी, लेकिन लग उतनी प्यारी नहीं है जितनी भरी हुई लगती होगी, वैसे ही बहुत बढ़िया लग रहा है। ऑल बॉयज कम ऑन, नजर आने प्यार दे, सब सारे सब सारे। ऑल गाइस, दिस इज द प्लेस। ओह माय, लुक एट द व्यू। Oh man, awesome, मजा आ रहा है। इधर भी है, selfie time, awesome place, awesome भाई, कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। परवीन की भावनाओं मत जाइए, पहली बार ये स्टेशन आए हैं और काफी इनको एक्साइटमेंट है, उसका ये प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए आप बजरंग बली के रूप, हाँ देखिए यहाँ पे बाइक खड़ी करके काफ़ी अच्छा व्यू ले रहे हैं, यहाँ पे लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो क्वालिटी टाइम स्पेंड करना ही होता है। ये देखिए, हेलो, हाय हाय, रॉयल एनफील्ड। और पोल्यूशन के बारे में मैं कह रहा था, दिल्ली में काफ़ी पोल्यूशन है, यहाँ पे पोल्यूशन जो है वो 0% हमें लगता है, जैसा कि मुझे ही नहीं लग रहा है और बाकी के लोग कह रहे हैं। और बहुत बढ़िया जगह है, काफ़ी यहाँ की आबो हवा जो एटमॉस्फेयर है काफ़ी अच्छी है। गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल चाल है, हम यहाँ पे देहरादून में, और जी नहीं, ये होटल नहीं है, हमारे दोस्त का घर है जिसकी शादी में हम लोग आए हुए हैं, मैं और मेरे फ्रेंड क्रिशु और नरेश और परवीन। ठीक है, तो चलिए कुछ और दिखाते हैं, फटाफट दिन की शुरुआत करते हैं। अभी मॉर्निंग हो रही है, नहा धो के फ्रेश हो गए हैं, अच्छा लग रहा है, काफ़ी फील गुड हो रहा है। आज है शादी, अभी हमें होना है तैयार। ये देखिए बैंड बाजा सब रेडी है, चलिए फिर दिन का शादी का इंतजार, चलिए फिर मिलते हैं।